हाँ जी भैया, हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वेरी वार्म वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, इन्होंने चेंज तो कुछ भी नहीं किया टाइम टेबल में। आप मैथ्स की क्लास की जगह आपकी क्लास लगा दी और शाम वाली आपकी जगह मैथ्स की। आपने बोला तो था, सिर्फ पागल बना रहे हैं बिल्कुल। आपने बोला था कुछ इन की सर, ये सर की 6 बजे वाली क्लास के अलावा सर 6 के बाद कभी भी क्लास रख दो। 6 के बाद नहीं, मतलब 6 से पहले। अच्छा, तो आपने ये बोला था। ओके, तो फिर उधर से जवाब आया, मेरा फिर से सीन करके छोड़ दिया, कुछ बोला ही नहीं सर ने। अच्छा, अब देखो यार, सिचुएशन तो अभी ऐसी ही है। और क्या करवाना चाहते थे आप टाइम टेबल में?
बस करवाना तो कुछ नहीं था, मतलब बस 6 के बाद ना रखें वही था, और तो कुछ नहीं था। और वही रख दिया ना। यस हाँ तो 10 दिन बाद फिर चेंज हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। तो आप प्रशांत सर से बात कर लो ना कि कोई आप वो अलग टाइम ले लें, सुबह ले लेंगे वो। यस ऐसा कुछ। चलो खैर, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग। तो थर्मल एक्सपेंशन में हमने, आपको याद होगा, कल एक एप्लीकेशन देखा था उसका, दैट इज द बायमेटैलिक स्ट्रिप। याद आ रहा है बायमेटैलिक स्ट्रिप कि वो ऑटो कट में भी यूज होती है, जब वो हीट हो जाती है तो वो थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से वायर के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। फिर जब वो दोबारा ठंडी हो जाती है तो फिर वायर के साथ कनेक्शन जुड़ता है, फिर करंट फ्लो करता है, फिर गर्म होती है, फिर कनेक्शन टूटता है, बार बार ऐसा चलता रहता है। तो ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप का फायदा था जो हमने देखा था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें इसमें देखने लायक होती हैं। इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा है, हालांकि इसका टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है उसको हम SHM नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का चैप्टर आगे आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बातें क्या हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g होता है, ठीक है ना। ये मैं बताता हूं टाइम पीरियड का मतलब क्या है। ये होता है सिंपल पेंडुलम, ये ना, ये यहां से ऐसे आएगा, ठीक है ना, फिर यहां से ये वापस जाएगा। तो एक पूरे चक्कर का जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g होता है। ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है जी, दैट इज द टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ कि अगर गर्मी या सर्दी होगी तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर गर्मी या सर्दी करंट होगी तो इंक्रीज इस हो पे क्या जाएगा, इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, एल इंक्रीज हो जाएगा। अगर गर्मी होगी, यानी कि क्योंकि चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट की बात हो रही है। अगर हीट हो गया, ठीक है ना, मतलब अगर ये हीट हो गया तो ऑब्वियसली इफ हीटेड बाय टेम्परेचर डेल्टा टी, अगर डेल्टा कैपिटल टी लिख देते हैं, टेम्परेचर के लिए बेटा कैपिटल टी लिखा है मैंने, इसीलिए मैंने टाइम के लिए स्मॉल टी लिखा है, ठीक है ना। वो इसीलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल टी टाइम के लिए और कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश बोल देते हैं उसको, कि लेंथ हमारी बन जाएगी एल डैश, ठीक है ना। एल डैश क्या होगा, एल 1+α√T, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड नया क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा भैया, 2π√L/g। लेंथ बढ़ जाएगी पेंडुलम की, कौन सी लेंथ, ये वाली बेटा, ये जो मैं यहां पे शो करूं तो ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, ठीक है ना, ये वाली लेंथ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब पता ही है आपको कि दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको हम मैं 2 बोल देता हूँ, तो T-by-T इज इक्वल्स टू √L-by-L होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो T-by-T होगा, अब एल डैश की वैल्यू पुट करो, L1+α√T और नीचे एल है, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एल से एल कट गया तो T-by-T इज इक्वल्स टू √1+α√T।
अब ये फॉर्मूला है, ये टाइम पीरियड का रेशो है दोनों टाइम पीरियड का, मुझे बताओ टाइम पीरियड बढ़ गया या कम हो गया हीट करने से? बढ़ गया है ना, बढ़ गया क्योंकि लेंथ बढ़ गई। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पेंडुलम है ये स्लो हो गया, समझ पा रहे हो? स्लो होने का मतलब सोच रहे हो कि पहले अगर ये एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा करता था तो अब शायद 3 सेकंड में कर रहा है ना, अब स्लो हो गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया बेटा ये स्लो हो गया, यानी कि क्लॉक स्लो हो गया भाई। आपके क्लॉक में अगर पेंडुलम लगा है तो स्लो हो चुका है वो, है ना, स्लो स्लोनेस आ गई है उसके अंदर। तो इसको थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट, कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने कहा चलो ऐसा लिख लो, ठीक है जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लो। चलो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लेते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको पता है कि ये जो पावर होती है ये कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। अरे पता है, बिल्कुल पता है जी, ये पावर अंदर आ गई। तो 1 को इधर ले जाओ, t डैश बाय t माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा कैपिटल T, दैट इज द टेम्परेचर चेंज। अभी भी लेकिन राहत नहीं आई हमें, तो इधर एलसीएम ले लिया, t डैश माइनस t बाय t इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा कैपिटल डेल्टा T, दैट इज द टेम्परेचर चेंज। और ये t डैश माइनस t क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा कैपिटल डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी क्या है बोलो भाई, चेंज इन टाइम पीरियड। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता कोई ना, ऐसा तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि 2 सेकंड है तो अब 3 सेकंड हो जाएगा, लेकिन इतना चेंज आता नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी बाई टी बहुत कम वैल्यू आएगी, ये समझ पा रहे हो ना, ये बहुत कम वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल चेंज। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल चेंज आ गया। और ये अल्फा डेल्टा टी देखो आप इधर, ये अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 है। अब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी कम होती है भाई, आपको भी पता है भाई इसकी वैल्यू तो कोई ज्यादा होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू कोई ज्यादा नहीं आने वाली है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लिख लो फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो चेंज है सर, ये सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स में? बहुत मतलब मिली से भी कम यार, मिली से भी कम, क्योंकि बेटा इतना ज्यादा अगर चेंज आ जाएगा ना तो दुनिया के क्लॉक खराब हो जाएंगे सारे। मतलब जो हम मेजर करने वाली, जैसे हमारे घरों में पेंडुलम वाले क्लॉक नहीं होते, तो कुछ घरों में आपने देखे होंगे वो पेंडुलम अलग होते हैं बेटा, वो तो बिजली से चलते हैं पेंडुलम, बिजली इन द सेंस सेल से चलते हैं पेंडुलम, सेल से चलने वाले पेंडुलम वो तो सेल के हाथ में है। लेकिन जैसे मान लो सच में टाइम मेजर करना है आपको, है ना, आप घर में एक पेंडुलम लेके आए तो आपने सोचा कि यार जब ये पेंडुलम एक चक्कर पूरा करेगा तब मैं मानूंगा कि 2 सेकंड हो गए। अब मान लो कि वो पेंडुलम ही स्लो हो गया, तो आपकी तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना। तो होता है फर्क, लेकिन इतना नहीं होता, ठीक है ना, तो इतना नहीं होता। तो इसलिए बड़ी मतलब ध्यान रखा जाता है इन चीजों का, जब भी हम चीजें टाइम मेजर करते हैं, कि भाई कहीं हमारी कैलकुलेशन ही गलत ना हो जाए, कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। ओके सर। सर कितने लेक्चर और लगेंगे इसके? इसके सर थर्मल एक्सपेंशन जाएगा एक आधा, तो अभी तो चल ही रहा है यार, अभी क्या मतलब, इसमें छोटे छोटे तो चैप्टर हैं।
चलें भाई, लिख लिया? यस, 1 मिनट, सो 1 मिनट लिख लो भाई, लिख लो। इसमें देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टी डैश ग्रेटर देन टी होता है। इसका मतलब पेंडुलम बिकम्स स्लो, इसका मतलब पेंडुलम स्लो हो गया है। इसको कहते हैं कि इट लूजेस टाइम, ये टाइम गवा रहा है, ये वक्त गवा रहा है ना, क्योंकि वक्त तो वक्त है भाई, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त पेंडुलम के लिए भी नहीं रुकेगा। अगर पेंडुलम 2 सेकंड को मेजर करने में गलती करेगा, 2 सेकंड को 3 सेकंड में मेजर करेगा, तो क्या वक्त भी 3 सेकंड हो जाएगा? मतलब वक्त भी क्या 2 सेकंड ही रहेगा? नहीं, वक्त तो 3 सेकंड हो चुका ना। अब पेंडुलम उसे 2 सेकंड मेजर कर रहा है, तो इसमें वक्त की क्या गलती भाई? तो इसका मतलब है कि पेंडुलम वक्त के रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है? स्लो हो चुका है, ठीक है ना। तो कमी है उसके अंदर। If temperature is decreased, मान लो ठंड का मौसम है, ठीक है ना, ठंड का मौसम है, तो अगर ठंड का मौसम है तो T decrease होगा, ठीक है ना, तो T dash less than T होगा। इसका मतलब ये हुआ time period कम हो गया, time period कम हो गया, इसका मतलब pendulum अब fast चलेगा भाई, है ना, fast चलेगा। तो ये अब time को क्या करेगा? गेन करेगा, इट गेन्स टाइम। 2 सेकंड हुए भी नहीं होंगे और ये पहले ही शो कर देगा कि 2 सेकंड हो गए, है ना। आपको जल्दी लग जाएगी कि भाई अरे जल्दी जल्दी तैयार होना भाई, लेट हो गए। एक्चुअल में आप लेट हुए ही नहीं होगे, है ना। मान लो कि भाई 9 नहीं बजे एक्चुअल में, इसने दिखा दिया कि 9 बज गए, है ना, एक्चुअल में 8:45 ही हुए हैं, तो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे या जल्दी उस जगह पे पहुंच जाओगे। तो ये भी इसका एक फायदा है, क्योंकि आमतौर पे हमारी आदत होती है लेट होने की, तो अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इसमें हमें फायदा होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है, ये लूज लॉस और गेन इन टाइम कहलाता है ये, ठीक है ना। ये लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, ठीक है ना, मतलब लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। अब जैसे मान लो इन वन टाइम पीरियड टी, एक टाइम पीरियड टी में डेल्टा टी टाइम इज लॉस्ट और गेन्ड, या तो लॉस होगा या गेन होगा। कितना टाइम? टी टाइम में कितना डेल्टा टी टाइम लॉस या गेन होगा? तो 1 सेकंड में कितना होगा भाई डेल्टा टी बाई टी? पूरे एक दिन में कितना होगा? क्या ये एक दिन के सेकंड होते हैं? अरे बोलो, क्या ये एक दिन के सेकंड होते हैं? बिल्कुल, ये एक दिन के सेकंड होते हैं भाई। एक दिन में आपके इतने सेकंड होते हैं, अब भी हम बात कर रहे हैं तो इतनी देर में ये बीत रहे हैं, तो दैट इज ज्यादा नहीं है भाई। ये एक दिन ज्यादा लंबा समय नहीं होता, बस इतने से सेकंड ही होते हैं। इट इज द, ये क्या है, टाइम लॉस और गेन्ड, या तो लॉस किया है या गेन किया है इन अ वन डे। एक दिन के अंदर इतना टाइम लूज या गेन किया है, समझ में आया?
लिख लो। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाउ, अगर ये पेंडुलम पूरा एक दिन चलता रहा तो बताओ कितना टाइम लूज करेगा ये। तो बस आंसर आपके सामने है भाई, डेल्टा टी बाई टी तो आपको पता ही है ना, ये तो पता ही है ना भाई, हाफ अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो आप कर ही सकते हो डेल्टा कैपिटल टी वाला, और ये आप निकाल सकते हो इंटू 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड हैं आपके पास, जिनमें से कुछ तो अभी बात करते करते ही बीत चुके हैं, तो जिंदगी का समय बड़ा कम है भाई। ज्यादा सेकंड नहीं होते क्या लगता है, नॉर्मल इंसान की एवरेज जिंदगी के कितने सेकंड्स होते हैं, कभी काउंट किया है? नहीं किया। Less than 864 into 10 4. अच्छा, इनटू 10 टू द पावर 4, 10 रेज टू पावर 4, नहीं यार, लेस देन 100। इसको ऐसा करो आप, 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग हमारी जिंदगी में इतने ही सेकंड होते हैं ऑन एन एवरेज, अगर 70-75 साल की जिंदगी माने हम, तो इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर देना, इतने सेकंड होते हैं हमारी जिंदगी में। तो देख लो भाई, आपको आपकी जिंदगी के साथ क्या करना है ये आपके ऊपर है, एक ही जिंदगी है, तो दैट इज, देयर इज ओनली वन लाइफ, है ना, अगले जन्म का कुछ पता नहीं है, कहाँ नहीं पता कि भाई स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, कहाँ क्या मिलेगा आपको, सो देयर इज ओनली वन लाइफ एंड यू शुड लिव इट फुली, और इसमें अचीव भी इसी में करना है, एंजॉय भी इसी में करना है, स्ट्रगल भी इसी में करना है आपको, और हिम्मत नहीं हारनी चीजों को देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज दुनिया में बनी ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस बात है कि एक बार ठान लेने की। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप ये सोचोगे ना कि यार हमारे पास तो सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो आप चीजों से हार नहीं मानोगे, है ना, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे चलो छोड़ो ये नहीं करेंगे हम, आपको ये सोचना कि अरे भाई एक ही तो जिंदगी है, इसमें नहीं करेंगे तो फिर किस में करेंगे, है ना, इसी में तो करना है सब कुछ जो करना है हमें। बिल्कुल भाई, चलो आगे बढ़े, बहुत हो गया प्रवचन। हाँ, तो आज के लिए प्रवचन इतना ही था, किसी दिन और दरबार लगाएंगे तो उस दिन पढ़ेंगे। कल तो सर वो है ना अपनी क्या बोलते हैं डिस्कशन, डिस्कशन तो अलग है बेटा, लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं, डिस्कशन तो डिस्कशन अलग क्लास में लोगे, डिस्कशन पृथ्वी सर लेंगे बेटा, तो मेरा तो अभी टाइम के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, सच में पृथ्वी सर लेंगे? हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है डिस्कशन, तो फिर पढ़ाने की बात थोड़ी करी है सर, जब आपने यूं बोला ना टाइम का वो हो रहा है तो हमें लगा पढ़ाएंगे भी वो। नहीं नहीं सर, सर मुझे भी यही लगा सर। नहीं नहीं नहीं, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्कशन फिर मेरे से लिए नहीं जाएंगे ना, फिर वो ज्यादा क्लासें हो जाती है यार, क्योंकि फिर अभी अपने पास टाइम का कंस्ट्रेंट है कि हम डिस्कशन अपने को अलग ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आगे सिलेबस का पंगा पड़ेगा हमारा, है ना, इस टाइम पे आके हो ही जाता है यार, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है ना जब थोड़ा सा हमें जल्दबाजी होती है, थोड़ा सा आप भी रेस्टलेस हो जाते हो, चलो इधर देखो भाई, इफेक्ट ऑन बॉयंट फोर्स, मुझे एक बात बताओ बॉयंट फोर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्या गर्मी या सर्दी का? यस सर, पड़ेगा सर, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी बॉडी की। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, बॉडी जितनी जगह ये पानी के अंदर घेर रही है वही चेंज हो जाएगी,
पानी के अंदर जो इसने जगह घेरी हुई है फूल जाएगी, बॉडी फूल गई, बॉडी फूल गई, ऑब्वियसली गर्म हो गई, गर्म हो गई हॉट हो गई, तो हॉट होके लोग फूल जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था जो लोग फूले हुए दिखते हैं तो वो हॉट होते हैं, जैसे कि मैं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा हूँ, हल्का हल्का, तो दैट्स व्हाई, है ना। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि नीचे की तरफ क्या लगता है वेट और ऊपर की तरफ क्या लगता है भाई बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इस केस में, इन दिस केस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बोलो भाई, क्योंकि पूरी की पूरी डूबी हुई है, पूरी की पूरी डूबी हुई है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा। चलो अब बात करते हैं कि भाई बॉडी भी एक्सपेंड करेगी। अब देखना भाई, पता देखने वाली चीज क्या है, सिर्फ बॉडी का वॉल्यूम थोड़ी एक्सपेंड करेगा, एक और चीज एक्सपेंड करेगी, पानी, लिक्विड, लिक्विड भी तो एक्सपेंड करेगा भाई मेरे, लिक्विड भी करेगा, लिक्विड भी एक्सपेंड करने वाला है। तो अगर लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा तो उसकी एक्सपेंशन भी देखनी पड़ेगी हमें। तो अब क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ऑन हीटिंग। तो इसमें लिखेंगे VB डैश इज इक्वल टू VB 1 प्लस गामा बॉडी इंटू डेल्टा टी। गामा यूज होगा बेटा इसमें, ठीक है ना। गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ बॉडी का ये कोएफिशिएंट है, दैट इज गामा बी, ठीक है जी। तो दैट इज गामा बी है ये, ठीक है ना, 1 प्लस गामा बी इंटू डेल्टा टी। तो वी बी डैश इज इक्वल टू वी बी 1 प्लस गामा बी इंटू डेल्टा टी। अब वी बी और वी डी बराबर है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो वी डी डैश, तो इसकी जगह वी डी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे गामा बॉडी ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे गामा, देखो यहाँ पे बी ही रखना है इस जगह पे, क्योंकि बॉडी एक्सपेंड कर रही है, इसीलिए डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। तो ये होगी एक बात। अच्छा जी, क्या लिक्विड भी चेंज हो रहा है? लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी भी हो रही है चेंज। मुझे बताना, रो एल डैश इज इक्वल्स टू रो एल 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, याद आ गया है ना, 1 प्लस नीचे आएगा, हे भगवान, अरे नीचे ही तो आएगा ये, बिल्कुल नीचे आएगा, है ना, हाँ भैया नीचे आएगा ये, ठीक है ना। तो ये गामा एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड भी तो एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना, लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। तो चलो भाई, अब नया बॉइंट फोर्स क्या होगा? वी डी डैश रो एल डैश इंटू जी, जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो वी डी डैश की जगह क्या आ जाएगा? वी डी 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी इंटू रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी, ये एफ बी डैश हो गया। अब दोनों का कर दो रेशो, दोनों का रेशो कर दो भाई, एफ बी डैश बाय एफ बी कट जाएगा। क्या क्या कटेगा देखना बेटा, देखो मैं लिख के नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एक तो ये कट जाएगा, एक ये कटेगा रोएल, एक जी कट जाएगा, है ना, ये सब कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। आई बात समझ में? यस सर। तो भाई आई बात समझ में? ये बॉइंट फोर्स का रेशो है भाई, ये बॉइंट फोर्स का रेशो है नए का और पुराने का। अब बॉइंट फोर्स बढ़ेगा या कम होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है भाई?
अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बड़ा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ, गामा, दोनों के गामा पे डिपेंड करता है भाई, है ना, दोनों के गामा यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि बॉयंट फोर्स बढ़ेगा या कम होगा। लिख लो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, मैं लिख देता हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो पहले केस में अगर गामा बॉडी, गामा लिक्विड से ज्यादा है तो बॉयंट फोर्स पहले वाले बॉयंट फोर्स से ज्यादा निकलेगा। अगर गामा बॉडी गामा लिक्विड से कम है तो नया बॉयंट फोर्स पहले वाले बॉयंट फोर्स से कम निकलेगा, और अगर दोनों का एक्सपेंशन बराबर है तो नया वाला बॉयंट फोर्स और पुराने वाला बॉयंट फोर्स दोनों आपस में बराबर निकलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, अगर दोनों सेम एक्सपेंड करे, जितना बॉडी एक्सपेंड कर गई अगर उतना ही लिक्विड एक्सपेंड कर गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। मैथमेटिक्स तो ठीक है, आपको बता रही है जो बता रही है, ठीक है ना, मैथ से तो आपको फटाफट पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुनो कि भाई थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। इवेंट कर गया तो क्या पानी के रिस्पेक्ट में बॉडी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। अरे भाई जितना पानी एक्सपेंड किया, मान लो भाई आप जितना आप फूले उतना ही आपका दोस्त फूल गया, तो क्या उसे आप फूले हुए लगोगे? नहीं लगोगे, वो कहेगा कि नहीं भाई तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसा ही हूं। तो वही चीज है, जितना पानी बढ़ गया, जितना पानी का साइज बढ़ गया है ना, उतना ही बॉडी का साइज बढ़ गया, तो दोनों फूल गए तो फिर बॉयंट फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी ज्यादा फूल गई पानी के रिस्पेक्ट में, पानी से ज्यादा फूल गई, तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि जगह ज्यादा घेरेगी। अगर बॉडी कम फूली, पानी ज्यादा फूल गया, तो ऑब्वियसली बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फूल दोनों ही रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हीट कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं तो दोनों ही फूल रहे हैं, लेकिन देखना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ठीक है जी, ये देखना पड़ेगा। लिख लो, करो करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने डब्बे में बंद किया है। डब्बे में जो चीजें बंद की जाती हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हैं।
अच्छा जी, कुछ लोगों ने कहा कि यार इसको ऐसा नहीं लिखते। अब कुछ लोगों ने कहा कि यार इसको ऐसा क्यों नहीं लिख लेते, बताना जरा। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes, sir. लिखते हैं ऐसा, मैंने कल भी आपको बताया था जब मैंने डेंसिटी वाला केस करवाया था, मैंने ये कहा था कि इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। लिखना मत अभी, यहां पे मत लिखना। मैंने बोला था कि इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं ऊपर ले जाके माइनस में, है ना। तो वही चीज ऐसा पता क्यों करते हैं, कल भी बताया था मैंने, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे अगर 1 प्लस गामा एल लिखा होता है ना, उससे कैलकुलेशन हो जाती है डिफिकल्ट। तो जब कैलकुलेशन हो जाती है डिफिकल्ट तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है भाई। तो अपनी जान बचाने के लिए हम ये ट्रिक यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अब ये माइनस अंदर आ जाएगा बेटा, कल भी करा था वही चीज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये माइनस अंदर आ जाएगा। अब भी कुछ लोगों को चैन नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि यार अभी भी कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट है। तो मैंने कहा रुक जाओ भाई, अभी आपके लिए और व्यवस्था करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। करो वन का वन के साथ, फिर वन का गामा बी डेल्टा टी के साथ, फिर वन का माइनस गामा टी डेल्टा टी के साथ, गामा एल डेल्टा टी, फिर दोनों का प्रोडक्ट, गामा बी गामा एल डेल्टा टी का स्क्वायर। आप देख रहे हो ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी बेटा, है ना, ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि दो छोटी छोटी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है बेटा। ये गामा बी और गामा एल का प्रोडक्ट है, ये बहुत छोटे होंगे तो इनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया हमने। तो और खुशखबरी आपके लिए आई, एफ बी डैश बाय एफ बी इज इक्वल टू वन प्लस गामा बी डेल्टा टी माइनस गामा एल डेल्टा टी। और खुशखबरी की बात है कि आप इनको कॉमन भी ले सकते हो, तो 1 प्लस गामा बी माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। समझ में आया? समझ में आया? तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसमें पंगा क्या हट गया? क्या पंगा हट गया? इसमें हट गया, लेकिन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, डिवीजन वाला पंगा हट गया भाई हमारा। तो ये हमारे लिए यहाँ पे फायदा हो गया है, लिख लो, ये फायदा हुआ है, दैट इज द फायदा। लिखो 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 फटाफट। लिख लिया। चलो आगे चलते हैं, फिर कोई रह गया हो तो बताओ। यस सर। रह गए हो ये बता। लास्ट लाइन। ओके ओके, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में तो सिर्फ फॉर्मूला लिखो सर। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई बर्न्ट फोर्स की, लेकिन और आगे की कहानी है। और आगे की कहानी यह है कि कई बार लिक्विड की
एक्सपेंशन भी धोखा दे जाती है। कई बार लिक्विड की जो एक्सपेंशन हमें नजर आती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। इसे कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। धोखा कैसे दे जाती है कि भाई एक चीज तो हम भूल ही गए। हम क्या चीज भूले कि भाई इसमें लिक्विड डाला बीकर के अंदर, ठीक है ना, एक ये बीकर है उसके अंदर लिक्विड डाला। अगर लिक्विड गर्म होगा तो क्या बीकर गर्म नहीं होगा? हैं सर, होगा होगा भाई, होगा 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 होगा। सपोज करो लिक्विड फैल गया गर्म होने से, बीकर भी फैल गया गर्म होने से, बीकर भी फैल गया, लिक्विड भी फैल गया। हो सकता है आपको ये बाहर से देखने में ये पता ही ना लगे कि लिक्विड का लेवल बड़ा है या कम हो गया। ये लेवल है लिक्विड का, यहां तक भरा हुआ पानी। क्यों? क्योंकि लिक्विड फैला। अगर लिक्विड फैला है तो भाई लेवल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, 100% बढ़ना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बीकर भी बढ़ गया। तो हो सकता है कि लिक्विड के फैलने के बावजूद आपको ऐसा लगे कि लेवल तो बढ़ा ही नहीं। हो सकता है ना? ऐसा कब हो सकता है? जब जितना लिक्विड फैले उतना ही बीकर फैल जाए। भाई जितना वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ गया, अगर उतना ही वॉल्यूम उसी रेशो में बीकर का भी बढ़ गया, तो क्या आपको लगेगा कि लेवल बढ़ चुका है? नो सर, आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा उतना ही लेवल है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ चुका है, एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़ चुकी है ना, वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो इतना ही। इसे कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? जो लगता है, होता नहीं है। हमने लिफ्ट वाले केसेस देखे थे, अपेरेंट वेट, लगता है लिफ्ट में ऊपर जाते हुए ऐसा लगता है कि वेट बढ़ गया, बढ़ता नहीं है। नीचे जाते हुए वेट लगता है कि डिक्रीज हो गया, जी माइनस ए होता है, होता नहीं है, होता तो उतना ही है। तो वही चीज यहां पे है। तो गामा एल इट इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। गामा बीकर दैट इज द रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीकर, ये बीकर की रियल एक्सपेंशन है। गामा ए दैट इज अपेरेंट, गामा लिक्विड माइनस गामा बीकर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बीकर है बेटा, इसे बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। किसकी है ये? लिक्विड की है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं ना, वी ए माइनस वी बी, वैसे ही है ये लिक्विड की एक्सपेंशन है। किसके रिस्पेक्ट में? बीकर के रिस्पेक्ट में। ये जो दिखेगी, जो लगेगी हमें, ये वो है। लिख लो फटाफट। सर ऐसे तो पानी उड़ भी सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन दिया जाएगा, वो तो सारी सिचुएशन दी जाएंगे। ऐसे इतना कुछ मानने लगोगे तो फिर तो हो गया क्वेश्चन, फिर तो होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। अरे उड़ भी सकता है, फैल भी सकता है ना, और फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपोरेशन हो रही है कि नहीं हो रही, कितना पानी वेपोरेट हुआ, फिर तो यही नहीं पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इतना नहीं देते यार क्वेश्चन, अगर देते हैं तो फिर आपको देंगे वैल्यूज वो, ठीक है ना, अगर वो ऐसा सोचेंगे तो आपको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी।
चलें। क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन नंबर बता देना मुझे। इफ लिक्विड एक्सपेंड्स, फाइव है, इफ लिक्विड एक्सपेंड्स सेवन टाइम्स मोर देन द बीकर, देन फाइंड the ratio of expansion coefficients, the ratio of real expansion coefficient, real expansion coefficient to apparent expansion coefficient. ऑफ बीकर, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 1/7, 7/1, 6/7, 7/6, ये चार ऑप्शंस हैं। सही है बेटा, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आदित्य जी कह रहे हैं कि पेज पीछे कर दो, बेटा पहले ये लिख लो आप, फिर कर देता हूँ। करण सही है बेटा, राइट आंसर। नूर सही है, रिद्धि सही है, अंशिका सही है बेटा, सिद्धार्थ सही है, पीछे कर देता हूं मैं, लिख लो बेटा, करो बेटा, बाकी लोग भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जयंतिका देखो बहुत आसान है बेटा, हमें रेशो किसका निकालना है, गामा लिक्विड बाय गामा अपेरेंट, ठीक है ना। गामा अपेरेंट क्या होता है, गामा लिक्विड माइनस गामा बीकर। अब देख रहे हो लिक्विड कह रहे हैं 7 गुना ज्यादा एक्सपेंड होता है बीकर से, ये गिवन है बेटा, लिक्विड जो है 7 गुना ज्यादा एक्सपेंड होता है बीकर से, तो इसको लिख दो 7 गामा बीकर
नीचे इसकी जगह सेवन गामा बीकर माइनस गामा बीकर, तो ये आ गया सेवन गामा बीकर अपॉन सिक्स गामा बीकर, तो रेशो आ गया सेवन बाय सिक्स, सात गुना एक्सपेंड हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन लग कितना रहा है छह गुना, हमें ऐसा लग रहा है कि छह गुना एक्सपेंड हुआ, एक्चुअल में कितने गुना एक्सपेंड हो रहा है सात गुना, हमें क्यों लग रहा है छह, क्योंकि एक्चुअल में बीकर भी एक्सपेंड हो रहा है, तो एक जो है वो बीकर की वजह से भी आया है ना, तो इसलिए आंसर जो हमारा है यहाँ पे वो सात बटे छ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो जी आगे बढ़े सर। हाँ जी बोलो सर, इसमें तो ये नहीं बोला कि हमें रेशियो बतानी है रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट टू अपेरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीकर की। लिक्विड 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 लिखना, लिक्विड लिक्विड आएगा यहाँ पे लिक्विड, अपेरेंट तो ऑब्वियसली लिक्विड की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे लिक्विड कर लो बेटा सभी लोग, बीकर नहीं है। चलो अगला टॉपिक है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का एनामलस एक्सपेंशन। एनामलस एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? पानी का डिफरेंट बिहेवियर। एनामलस का मतलब होता है बेटा जो रूल्स को फॉलो ना करे, जैसे कि पानी, पानी रूल्स को फॉलो नहीं करता। जनरली क्या होता है, जनरली फॉर सब्सटेंसेस अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से वो फैलते हैं, फैलते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है ना, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है और होना चाहिए, बट फॉर वाटर दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, पानी के लिए ऐसा नहीं है, इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच पानी का ग्राफ बनाया जाता है तो वो हमें ऐसा देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है पानी की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और यहाँ पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी हमें मिलती है, और वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो हम वैल्यू यूज करते हैं वही वैल्यू, लेकिन वो कितने डिग्री पे होती है हम हर जगह यूज कर लेते हैं, है ना, हम यूज हर जगह कर लेते हैं बेटा, लेकिन वो होते कितने डिग्री पे है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है पानी की, और किसी टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी अलग होती है। अब होना क्या चाहिए कायदे से? अब भाई आप कहोगे कि इस ग्राफ में गलती क्या है, गलती ये है कि ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, समझ रहे हो, होना चाहिए था ना, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था ग्राफ को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 4 डिग्री के बाद देखो बेटा, पंगा जो है ना वो 4 डिग्री से पहले पहले का पंगा है। भाई 4 से मान लो यहाँ पे 3 डिग्री है ना, सपोज करो, बनाना मत, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना, 3 डिग्री में पार्टिकल्स और क्लोज आने चाहिए थे, आते नहीं है ना, 2 पे और क्लोज आ जाने चाहिए, 1 पे और क्लोज आने चाहिए, 0 पे बर्फ बन जानी चाहिए, 0 पे तो और क्लोज आने चाहिए, लेकिन बर्फ तो और फैल जाती है क्योंकि बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, तो बर्फ और उल्टा बिहेव करती है, पानी तो करता ही करता है, और बर्फ भी तो पानी का रूप है, वो भी उल्टा बिहेव करती है। तो ये जो है इन्होंने बचपन से कसम खा रखी होती है कि भाई हम जो है किसी की बात नहीं मानेंगे, हम नॉर्मल तरीकों से तो चलेंगे ही नहीं, तो हम इस तरीके से चलेंगे जो कि सबके लिए परेशानी क्रिएट करे
और आपको अलग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़े, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम, तो पानी के लिए अगर वॉल्यूम का ग्राफ आप बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा, बोलो भाई, मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा वो तो मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास तो पता ही नहीं हमें, मास जितना कम से कम होगा वहां पे, यानी कि इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंस पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा आपस में चिपके हुए पार्टिकल्स पानी के कितने टेम्परेचर पे होंगे, 4 पे होंगे। 4 पे पानी के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, सबसे कम जगह घेरेंगे वो, उनका वॉल्यूम मिनिमम होगा। लिख लो, अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, फायदा है इसका बहुत बड़ा फायदा है, अभी फायदा बताऊंगा आपको मैं, तो आप कहोगे कि हाँ फायदा तो है भाई, बहुत बड़ा फायदा है, हमें नहीं, हमें नहीं, पता किने, मछलियों को, मछलियों को फायदा है भाई, बहुत बड़ा फायदा है। मछलियां हो गई, समुद्र में रहने वाले और जीव हो गए, पानी में रहने वाले कौन होते हैं, पानी में कौन रहता है, हाँ हाथी, हाथी रहते हैं, समुद्री हाथी होते हैं क्या, ऑक्टोपस, हाँ ऑक्टोपस रहता है भाई, वो 8 हाथ होते हैं, जिसके 8 हाथ होते हैं, पता नहीं 8 पैर हो क्या, समुद्री घोड़े सी हॉर्स है ना, हाँ और कौन होते हैं, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, क्रैब केकड़ा, अरे वाह, डॉल्फिन वो फिशी होती है एक टाइप की, हाँ क्रोकोडाइल और शार्क, शार्क बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू वेल, स्टारफिश भी होती है एक, वो फिश नहीं होती, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि स्टारफिश जो है वो फिश नहीं होती, ऐसा सुना है मैंने, सही है बात है, बात सही है, जेलीफिश भी फिश नहीं होती सर, वो कुछ पॉइंट होती है उनमें जेलीफिश, अच्छा जयंतिका लिख रही है भूत 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 भी होते हैं क्या पानी में, वही बात है बेटा, मछलियां गल जाते हैं उनके भूत वहीं पे होते हैं, बात यह है कि भूत तब आपको दिखते हैं पानी में जब आप पानी में देखते हो, और आपको पानी में मान लो अपनी शक्ल दिख गई तो ऑब्वियसली यू विल फील कि यार भूत है पानी में, तो फील होगा आपको, है ना, तो ऐसे आपको भूत भी दिखाई देगा, क्योंकि पानी में रिफ्लेक्शन होगी ना, आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो यू कैन फील, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कहानी थी बचपन में, ग्रीडी डॉग, यस ना, हाँ, उसको पानी में अपनी ही परछाई दिखती है, उसे लगता है कि एक और कुत्ता है पानी में, तो वो उसे देख के भौंकने लगता है, और फिर उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर जाता है, और फिर वो बहुत उदास होता है, और उस कहानी से हमें शिक्षा मिलती थी कि ग्रीड इज अ कर्स, लालच एक बुरी बला है, सिर्फ फिजिक्स पढ़नी चाहिए मॉरल, हाँ मॉरल, अरे वाह क्या बात है, फिजिक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है, तो इसलिए कहानियां जो है मतलब ये शिक्षा देती है। चलो अब इसका फायदा कैसे होता है एक्वेटिक एनिमल्स को, तो वो हम देखते हैं, इसका फायदा कैसे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई लेक है, ठीक है ना, सपोज करो लेक है, ये लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी मान लो, ठीक है, ठंड का मौसम है ठीक है ना, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मैं आपको एक बात बताता हूं,
आपने गूगल पे देखा होगा कई बार ऐसे शो करता है कि टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 22 डिग्री सेल्सियस, देखा है ऐसा? यस सर। फील्स लाइक होता है, उस बात का क्या मतलब होता है? देखो क्या होता है, फील्स लाइक का मतलब होता है कि आसपास और क्या चीजें उसको इफेक्ट कर रही है। मान लो कि टेम्परेचर है तो भाई 25, लेकिन हवा चल रही है उस दिन बड़ी ठंडी ठंडी, तो हवा चलने की वजह से हमें ऐसा फील होगा कि यार ठंड है, 25 ही डिग्री टेम्परेचर लेकिन फील ऐसा होगा कि ठंड है, ठीक है ना, तो फील कम होगा, टेम्परेचर होना चाहिए 25। ऐसे ही यहाँ पे, मतलब ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं गया था एक बार जैसलमेर और बीकानेर गया था दिसंबर के महीने में, तो हुआ क्या कि भाई वहां पे रेत होती है ना, रात को बड़ी ठंडी हो जाती है रेत, तो उस रेत को मैंने हाथ लगा के देखा, बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी, इतनी ठंड थी नहीं लेकिन लग बहुत रही थी ठंड। मतलब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 4 डिग्री सेल्सियस था और फील हो रहा था -2 -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब मैंने गूगल पे भी चेक किया तो -2 -3 फील लाइक बता रहा था वो, तो क्योंकि रेत ठंडी हो गई है ना, रेत अब ठंडी हो गई तो वहां पे आसपास के एनवायरमेंट को भी वो ठंडा करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, तो इसलिए फील्स लाइक होता है। यही चीज यहाँ पे, अब देखो पानी जो है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत होती है, पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता, ठीक है ना, जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा नहीं होता क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट अच्छी खासी होती है, आपको पता ही है। अब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आप मुझे बताओ, अगर ठंड हो चुकी है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अभी अभी ठंड हुई है, अभी अभी हुई है, ठीक है, तो क्या पानी का टेम्परेचर भी -10 होगा? नहीं सर, पानी तो अभी ठंडा होना शुरू होगा, अभी अभी तो ठंड हुई है, अभी पानी का टेम्परेचर -10 नहीं है, इसीलिए मैंने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिखा है -10। फील्स लाइक जो अभी होगा वो हो सकता है आपको गर्मी फील हो, ठीक है ना, मतलब थोड़ी बहुत इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है फील्स लाइक -2 -3 हो, है -10 लेकिन फील्स लाइक हो सकता है -2 -3 हो क्योंकि आसपास पानी है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा गर्म हल्का सा रहेगा। अच्छा अब मान लेते हैं कि पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, सपोज करो इस पानी का टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस है, सारे पानी का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि पूरे पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कौन से वाला पानी ठंडा होगा? ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला पानी ठंडा होगा, तो इसका टेम्परेचर ठंडा होके सपोज करो 8 से हो गया 7, ठीक है ना, 8 से हो गया 7, जैसे ही इसका 8 से 7 हो गया, अब देखो ग्राफ देखना, टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है वो ऐसा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, तो 8 डिग्री सेल्सियस कहीं यहां पे होगा, 8 से जब हम 7 की तरफ जा रहे हैं तो क्या डेंसिटी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 7 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पानी आ गया ऊपर वाला, तो वो भारी हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भारी हो गया, तो हैवी होके ये पानी कहां जाएगा? नीचे, और नीचे से हल्का पानी कहां आएगा? ऊपर, तो ये जो 8 डिग्री सेल्सियस वाला है ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये भी 7 का हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, धीरे धीरे पूरी लेक का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा? 7, धीरे धीरे पूरी लेक का टेम्परेचर 7 7 7 7 हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस, पूरी का 6 होगा, फिर पूरी लेक का 5 हो जाएगा, फिर पूरी लेक का 4 हो जाएगा, 4.5, 4.1, 4.09, 4.08, 4.07 कम होते होते 4 पे आ जाएगा, धीरे धीरे पूरी लेक का 4 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कहानी पलट गई भाई, पलट कैसे गई? पलट इस तरीके से गई कि अब 4 के बाद भाई सबसे पहले जो ठंडी होनी है लेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो -10 है बेटा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो -10 है, तो ठंडा तो होना ही पड़ेगा पानी को, तो 4 के बाद पानी आया 3 पे, सपोज करो 3 पे आ गया, सपोज कर रहे हैं हम 3 पे आ गया,
नीचे वाला अभी चार पे ही है, नीचे वाला अभी चार पे ही है, पानी तीन पे आ गया। अब मुझे बताओ ये चार से तीन जब हुआ तो ये हल्का हो गया कि भारी हो गया? हल्का हो गया कि भारी हो गया, बताओ। अरे बोल दो, हल्का। हल्का हो गया भाई, चार से कम। जब तीन डिग्री सेल्सियस पे ये गया तो डेंसिटी कम हो रही है बेटा, रो डिक्रीज हो रहा है। आठ से जब जा रहा था चार की तरफ तो रो बढ़ रहा था, अब जो है हल्का हो रहा है पानी, डेंसिटी कम हो रही है, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ये पानी ऊपर ही रहेगा। जो पानी भारी हो गया क्योंकि अब हल्का हो गया, सॉरी, जो पानी हल्का हो गया तो अब नीचे क्यों जाएगा भाई, नीचे तो भारी पानी है। अब उल्टा बिहेवियर शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसी का टेम्परेचर दो हो जाएगा, इसी का टेम्परेचर एक हो जाएगा, और इसी का टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, और इसी का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। और जैसे ही ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कम 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 होना शुरू हो जाएगा तो यहां पे क्या जमा होनी शुरू हो जाएगी, बोलो, बर्फ शुरू हो जाएगी, आइस स्टार्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम अपर लेयर। फ्रॉम लिख रहा हूं, एक फॉर्म लिखा है एक फ्रॉम लिखा है, अपर लेयर से आइस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर ऊपर से बननी शुरू होगी। आपने बहुत सारे टीवी पे सीन भी देखे होंगे और शायद आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो, कई बार ऐसा लगता है लेक में देख के कि बर्फ जमी हुई है लेकिन अंदर खोखली होती है, वो अंदर पानी होता है। देखा कभी आइस ऊपर ऊपर से जम जाती है, अंदर पानी ही होता है। टीवी में भी सीन देखे होंगे, है ना, ऐसे भयानक सीन होते हैं हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं, वो बर्फ समझ के उसके ऊपर चलने गया, बर्फ की पतली सी लेयर थी ऊपर ऊपर से जमी हुई थी, टूट गई, वो सीधा अंदर, खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो गया, है ना। तो ये धोखा दे देती हैं, हमारे लिए खतरनाक हैं। आप बर्फ समझ के उसके ऊपर चलने लगो तो ये आपको अपने अंदर ही निगल लेंगी। गोवा में कुछ बीचेस हैं ऐसी जगह जहां पे बड़े कम लोग जाते हैं, वहां पे मिट्टी जो है वो बड़ी वो है, सॉफ्ट है, तो वहां पे कुछ हादसे ऐसे भी हुए हैं जहां पे उन्होंने पैर रखा और वो धरती में समा गए, ठीक है ना, वापिस ही नहीं आए, मिट्टी इतनी सॉफ्ट थी कि अंदर धस गए। तो अगली बार जाएं तो ध्यान रखना, ऐसे बीचेस पे मत जाना जहां पे सुनसान एरिया हो, और उनके बारे में पता करके जाना जब भी आप जाओ। तो खैर, तो यहां पे आप समझ पा रहे हो कि बर्फ हमेशा ऊपर से फॉर्म होनी शुरू होगी, तो बर्फ जब ऊपर से फॉर्म होनी शुरू होगी तो नीचे का पानी गर्म ही रहेगा। अब नीचे बर्फ जमेगी नहीं, मतलब नीचे अगर बर्फ जमेगी भी, ऑब्वियसली अंटार्कटिका में जमी होती है बेटा, है ना, अंटार्कटिका में पूरी की पूरी बर्फ होती है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे सदियों से नेगेटिव टेम्परेचर है, सदियों से चला आ रहा है, ठीक है ना, सदियों से चला आ रहा है। तो ये बर्फ धीरे धीरे नीचे की तरफ फैल गई, ठीक है ना, धीरे धीरे नीचे की तरफ बर्फ फैल गई, तो इसने पूरी लेक को बर्फ बना दिया। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल दुनिया की अगर हम बात करें, जैसे श्रीनगर की डल झील है या और आसपास की झीलें हैं जहां पे ठंडा वातावरण होता है, तो क्या वहां पे पूरी झील बर्फ में कन्वर्ट हो सकती है? कभी नहीं। जितनी देर में वो कन्वर्ट होने लगेगी ना, उतनी देर में गर्मियां आ जाएंगी या दिन आ जाएगा, उस दिन सूरज निकल आएगा। तो कभी भी पूरी झील को बर्फ बनने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी वजह से आपको पता है, मैंने काफी बार आपको बताया है, इसी वजह से टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि वो बर्फ के जो पहाड़ हैं वो बन जाते हैं पानी के अंदर, पानी की ऊपरी सतह पे बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं ठंडे वातावरण की वजह से, और वो बर्फ ऊपर फ्लोट भी करती रहती है, जिसे हम आइसबर्ग का नाम देते हैं, और नीचे का पानी सेफ रहता है।
अब नीचे का टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा भाई, है ना, नीचे का टेम्परेचर, नीचे बर्फ नहीं जमेगी, इसका मतलब नीचे जो मछलियां वछलियां हैं वो अपना आराम से तैरती रहेंगी, क्योंकि अगर बर्फ बन गई तो वो भी मर गई भाई, वो भी मर जाएंगी, अगर बर्फ बन गई तो वो तो वहीं पे जम जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होता, है ना। इसलिए जो है हमारी जो पूरी एक्वेटिक लाइफ है हमारी वो सेफ रहती है इस कारण की वजह से। तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होने की वजह से हमारे लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए फायदा होता है। लिख लो इसको, बना लो, मतलब लिखना तो अभी मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। इसको मैं पूरा लिखवा देता हूं आपको अगले पेज पे, इसको बना लो बेटा। और अगली अगला जो चैप्टर होगा ना हमारा हीट ट्रांसफर, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी देर में कितनी बर्फ जमा होगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऊपर की लेयर पे बर्फ जमा होनी शुरू हो जाती है, तो अगले में हम बात करेंगे कि कितनी देर में कितनी बर्फ जम जाएगी, कितनी थिकनेस बर्फ की जम जाएगी, ये थिकनेस भी पता करेंगे हम, ठीक है ना, इतनी डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन वो अगले चैप्टर की बात है जो कि है हीट ट्रांसफर, जो कि हमारी कल से शुरुआत होगी उसकी। लिख लिया, मतलब बना लिया? यस सर, यस सर। ओके, तो लिखो इसमें एज द टेम्परेचर, साथ साथ लिख लो बेटा, अब समझा तो दिया ही है मैंने आपको। As the temperature of water starts reducing, the upper layer of water becomes heavy and goes down. In return, the lighter and warmer layer, warmer मतलब गरम, गरम layer of water comes up. This process, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा बोर्ड्स में, बोर्ड्स मतलब स्कूल के एग्जाम में जिनके होंगे फाइनल पेपर लिखने वाले। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये प्रोसेस पूरा 4 डिग्री सेल्सियस तक चलता रहता है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, सो वाटर बिकम्स लाइटर एंड स्टेज एट टॉप, स्टेज एट टॉप। अब पानी नीचे नहीं जाता, इट अल्टीमेटली फ्रीजेस व्हेन इट अटेन्स टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। सो ओनली अपर लेयर
सो आइस इज फॉर्म्ड, ऐसा लिखना चाहिए, आइस इज फॉर्म्ड ओनली एट अपर लेयर ऑफ लेक या पॉन्ड, देयरफॉर होल एक्वेटिक लाइफ, होल एक्वेटिक लाइफ इज सेव्ड. अब अंटार्कटिका वगैरह में पोल्स के पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास हो सकता है कभी किसी जमाने में एक्वेटिक, कि कभी किसी जमाने में वहां पे एक्वेटिक लाइफ रही हो, लेकिन जब सदियों से वहां पे सर्दी ही सर्दी चल रही है तो एक वक्त ऐसा आया होगा जब पूरी की पूरी लेक बर्फ की बन गई होगी, और जब पूरी की पूरी लेक बर्फ की बन गई होगी फिर उसके बाद सारी जिंदगी वहां पे खत्म हो गई, वहां पे कुछ भी नहीं बचा. लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग से तो वो बर्फ पिघलनी शुरू हो रही है. कभी ना कभी ये समय जरूर आएगा जब तबाही आएगी, सुनामी आएगी. तो खैर 2012 में तो दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से हमारे लक्षण चल रहे हैं तो तबाही जो है हो सकता है कि हमारे जिंदा जिंदा रहते ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल है. भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो इसके लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें, छोटी छोटी चीजों से ही, कंट्रीब्यूशन से ही हमारी धरती बच सकती है. ठीक है जी, बाकी तो ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया. मतलब चैप्टर क्या, ये टॉपिक कहा जा सकता है एनसीईआरटी में, तो ये पूरा एक टॉपिक है. ठीक है ना, चैप्टर में तीन टॉपिक हैं, इसका तीसरा हम कल शुरू करेंगे जो कि है हीट ट्रांसफर, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी. तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, बखैर, टेक केयर, गुड नाइट. हां बोलिए सर, ये जो आज तक ये जो अभी तक करवाया वही आएगा ना टेस्ट के अंदर थर्मल एक्सपेंशन? भैया ओके सर. सर वो अलग है पार्ट जो कल आप कराओगे हीट एनर्जी वाला? हाँ वो अलग है. ठीक है सर, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं. ओके सर, बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.